हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैटोटैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल देर रात तक चलता रहा, तो वो चीज़ें आज मैं कैंडल वैक्स के थ्रू देखने जा रही हूँ। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनकी कल देर रात की एनर्जीज आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में कल देर रात तक चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए गाइड कीजिए। भाई देखो, ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कल देर रात तक ना बड़े बेचैन से रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हों। इनका दिल बहुत बेचैन रहा कि अब इन्हें कुछ करना है, कोई एफर्ट करना है जिससे कि इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, या चीज़ों को अब इन्हें समझना होगा कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, या फिर एक हेल्दी शुरुआत अब अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आए। इन सभी चीज़ों के मामले में ये पर्सन जैसे कल देर रात तक ना काफ़ी ज़्यादा मन से बेचैन रहे हो, मन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो, और वर्क करने को लेकर, एक्शंस को करने को लेकर ये पर्सन कल देर रात तक जैसे पैशनेट भी रहे हो कि अब इन्हें कुछ करना है, चाहे फिर वो कैसे भी करें, बस डेडिकेशंस के साथ इन्हें कुछ तो यहाँ पर करना होगा। तो उस तरह की चीज़ें इन्हें बेचैन करती रही हैं। यहाँ पर आई लेटर मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर वन यानी कि जनवरी मंथ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि पास्ट में इस पर्सन ने ना आपसे यहाँ पर वॉक अवे करा था, जैसे आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ सपने संजो रहे थे आपके, और इन्होंने जो भी एक दूसरे से वादे करे थे आप उन वादों में खोए हुए थे, और इस पर्सन ने यहाँ पर आपसे दूर जाने का डिसीजन ले लिया या दूर चले गए। और जो गए भी तो ऐसा नहीं है कि बताकर गए हो एकदम चोरों जैसा, इन्होंने एक वक्त पे काम करा है, तो उसके बारे में भी ये पर्सन जैसे कल देर रात तक सोचते रहे कि अब ये पीछे मुड़ने के बारे में सोच जो रहे हैं, एक हेल्दी शुरुआत के बारे में जो सोच रहे हैं, क्या वो सोच इनकी अब सही है भी या नहीं, तो उस तरह के सवाल भी इस पर्सन के मन में जैसे कल देर रात तक चलते रहे हो। ठीक है, वाई लेटर यहाँ पर दिख रहा है, एल लेटर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। देखो, जितना ज़्यादा इस पर्सन को इस कनेक्शन की तरफ या ओवरऑल एक्शंस लेने का एक जज्बा इनके मन में मुझे दिखाई दिया है, उतना ज़्यादा इस पर्सन को यहाँ पर अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे थे जो अब इनके खिलाफ है। ठीक है, तो इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि अब इनकी फाइट जो है ना वो बहुत सारे लोगों से, और इन्हें बहुत सारे लोगों से यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर 4, नंबर 9, नंबर 6 यानी कि आपका अप्रैल, जून एंड सितंबर मंथ भी मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। पी लेटर यानी कि पी फॉर पैरेट वाला भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली है। ये सभी जो आपके पर्सन या आपसे रिलेट करते होंगे, ओवरऑल इन सभी चीज़ों के पीछे की वजह मुझे ये दिख रही है कि ये पर्सन आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी शुरुआत चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ को गेन करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। ठीक है, और उस स्टेबिलिटी को चाहने की वजह से ही ये पर्सन जैसे कि ना एक्शंस लेने के मूड में थे, या काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार करते रहे हैं, तो ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। एक ऐसी सोच मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली भी फील हो रही है, जैसे कि पर्सन इस सोच में भी रहे कि आज की डेट में मुझे ये जो डेडिकेशन दिखाने हैं, ये एफर्ट जो भी दिखाने हैं, ये किस चीज़ को लेकर मैं दिखाऊं,
यानी कि मेरे को अपनी लाइफ में जो अब ठहराव मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, वो लव लाइफ में मिलेगी या स्टडी में मिलेगी, या फिर जैसे कोई घर अगर इन्हें लेना हो तो घर लेने में मिलेगी, तो उस तरह की चीज़ें भी इनको ना काफ़ी ज़्यादा कल देर रात तक डिस्टर्ब करती रही हैं, या वो चीज़ें इनके मन में आई, उस तरह की चीज़ें इनके मन में जैसे इन्हीं से सवाल करती रही हो, तो ऐसा भी यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। सी लेटर यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है। ओवरऑल मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर एक्शंस तो चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है कि मेरी लाइफ में जो मेरी खुशियाँ हैं, स्टेबिलिटी है, सुकून है, वो कहाँ है। उस चीज़ को लेकर इस पर्सन के मन में अब कल देर रात तक कन्फ्यूज़न भी रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ना आपके पर्सन अपना बहुत ज़्यादा किस्मत पर और डेस्टिनी, जैसे होता है ना कि फ्यूचर क्या रहेगा, किस्मत में क्या लिखा है, भाग्य में क्या लिखा है, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ना उतावले हो रहे हैं, या इन सब चीज़ों की तरफ इनका रुझान बढ़ रहा है। जैसे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रुझान कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर बढ़ा है, तो ऐसा ही रुझान इनका भी कल देर रात तक जैसे बढ़ा हो इन्हीं चीज़ों को लेकर कि डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या डेस्टिनी में एक परिवार लिखा है, खुशियाँ लिखी हैं, इमोशनल पार्टनर लिखा है या नहीं लिखा है, तो वो चीज़ें भी इनके मन में जैसे चल रही हूँ। उनके मामले में भी जैसे ही पर्सन कल देर रात तक सवाल कर रहे हो, या फिर जैसे गूगल पर सर्च करते हैं ना, तो उस तरह की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। एच लेटर भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दिया है। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है जैसे कि ये पर्सन कल देर रात तक इस सर्च में रहे हो कि आज की डेट में इनके लिए इमोशनली कौन ज़्यादा अटैच्ड है, इनसे कौन ज़्यादा प्यार करता है या करती है, तो वो चीज़ें भी इनके मन में कल देर रात तक चली या उस तरह की तलाश इनकी लाइफ में रही। ऐसा दिख रहा है जैसे कि भाई इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग रहे हो और अब ये ढूंढना चाह रहे हो कि कौन अवेलेबल है कौन नहीं है। जस्ट जोकिंग, एज एन ये पर्सन आपको ढूंढ रहे थे उस वे में कि क्या आप अब इनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो या नहीं हो, क्या अब आपके जो ऑफर एक वक्त पे इनकी तरफ आते थे वो ऑफर्स अभी भी वहीं पर हैं या अब वो कब के हट गए हैं, तो उस तरह की चीजें इनके मन में चली हैं कल देर रात तक। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि स्टेबिलिटी को लेकर जब इस पर्सन के मन में सवाल आ रहे थे तो ये क्लियर हो रहे थे इस बात को लेकर कि अगर देखो घर बसता है, फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इन्हें आप ही के साथ देखनी चाहिए। उस चीज़ को लेकर क्लियर तो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी इस चीज़ को लेकर भी तो कन्फ्यूज रहे कि मेरी स्टेबिलिटी, मेरा फ्यूचर, मेरी डेस्टिनी, मेरी खुशियाँ एक्चुअली में कहाँ हैं, तो ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा। वाई लेटर यहाँ पर दिखाई दिया है, आपके पर्सन या आपसे ये रिलेट करते होंगे, और मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक वक्त पे इस पर्सन ने ना आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, जो अपने पैरों के नीचे कुचला था, आपको अपनी लाइफ से जो दूर करा था, आपके अंदर जो प्यार नाम की स्ट्रेंथ थी वो जो इन्होंने एक वक्त पे आपसे छीन ली थी, उसके बारे में भी इस पर्सन के मन में जैसे सवाल चले हों, क्या उनके बाद आप इन्हें अपनी लाइफ में वापस से आने का मौका दोगे या नहीं दोगे, तो वो चीज़ें भी इनके मन में चली, एज एन क्या अब आप इनके साथ एक फैमिली देखना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दिया है। पॉसिबिलिटीज बन रही है कुछ लोगों के केस में कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली से है, जहाँ पर रिचुअल्स को, परंपराओं को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं बस उन्हीं के लिए अपनी वफादारी निभाते रहे हैं, ईमानदारी बस निभाते आए हैं, उससे अलग इन्होंने जैसे कि अपनी ज़िंदगी में और कुछ देखा ही ना हो, और या फिर इन्होंने कभी देखना चाहा भी ना हो।
यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि ये पर्सन कल देर रात तक ना कदम बढ़ाना चाह रहे थे, एक रिस्क लेने की इच्छा इनके दिल में रही है या उमड़ी है कि मुझे रिस्क लेना चाहिए, एक बार कोशिश करनी चाहिए, एक बार जैसे खुलकर मुझे जीने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ये पर्सन काफ़ी रिजर्व्ड फैमिली से है, जहाँ पर खुलकर जीने नहीं दिया जाता है, खुलकर बोलने नहीं दिया जाता है, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। देखो आप लोगों के केस में ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, या आप दोनों जैसे सेम एनर्जी के हों, भले आप लोगों के बीच में कास्ट, ट्रेडिशंस, स्टेटस, एज गैप ये बहुत ज़्यादा फ़र्क हो इन चीज़ों में, लेकिन उसके अलग आप में सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं। जैसे आपका नेचर एक दूसरे जैसा हो, आप दोनों की राशियाँ एक जैसी हों, तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे काफ़ी लोगों के केस में दिख रही है। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं, जैसे कि पर्सन कोई फैसला तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन फैसले को लेकर ये पर्सन कल देर रात तक कंफ्यूज रहे हैं, और वो सभी फैसले ना इनकी लाइफ में ने स्टेबिलिटी की तरफ, एक ठहराव की तरफ लेकर जाएंगे। इसी रीज़न की वजह से पर्सन कल देर रात तक काफ़ी ज़्यादा अपने आप में रहे, काफ़ी ज़्यादा बस अपने सवालों में ये पर्सन जैसे घिरे रहे हो, इस उम्मीद के साथ कि इन्हें कोई ना कोई तो क्लियरिटी मिल ही जाएगी, आज ही रात इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसा इन्हें लग रहा था। कि यहाँ पर देखो, आप खुद देखो कितने उलझे पड़े हैं ये पर्सन, मांझा भी इनसे ज़्यादा सुलझ गया होगा जितने ये उलझ गए हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आज ही फैसला ले लेंगे और कल ही उसके बाद ये काम करना चालू कर देंगे। होता है ना कुछ लोगों को, इसी को तो कह देते हैं कई बार इमैच्योरिटी, और इसीलिए इस पर्सन ने कल देर रात तक बस इसी चीज़ को लेकर जैसे रिसर्च करनी शुरू कर दी हो। आपके साथ इनके जो भी बीते पल थे, वो पल इन्हें डेफिनेटली बेहद ज़्यादा याद आए, उन पलों ने इस पर्सन को अपनी तरफ बेहद बार खींचा, एज इन कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा डिवोटेड रहे हो, और इन्होंने आपकी डिवोशंस को किस तरह से तहस नहस करा है, किस तरह से इन्होंने आपकी लाइफ में आती हुई चलती हुई खुशियाँ, पॉजिटिविटी, उन सबको कैसे इन्होंने छीना है, कैसे आपकी ज़िंदगी को, आपके कैरियर को, आपकी लाइफ को इन्होंने बर्बाद करा है, तो वो चीज़ें भी इनके दिल में चली। कि उन सब के बाद देखो ऑब्वियसली इनका आपकी तरफ बढ़ना इतना भी आसान नहीं है जितना ये सोच ले या जितना आप सोच लो, तो ऐसा भी यहाँ पर इनके साथ रहा, या इस तरह के सवाल इनके मन में कल देर रात तक चले हैं इसी चीज़ को लेकर। यहाँ पर मुझे यू लेटर दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि यू टर्न तो करना है, ठीक है, यू टर्न इन्हें करने का मन है, लेकिन ये पर्सन ना ओवरऑल अब वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, वो पैशन ये आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अब आप उस स्टेज पे नहीं हो कि इन पर आप तुरंत भरोसा कर लो। यहाँ पर नंबर 2 भी दिखाई दिया है, यानी कि फरवरी मंथ। इनके मन में इस तरह के थॉट्स भी कल देर रात तक चले हैं कि आप ऑलरेडी दूर जा चुके हो इनसे, ठीक है, आप की जगह जो है मतलब इनके दिल में जो आपकी जगह है वो आपकी तरफ से कब की खाली हो गई है, तो वो चीज़ें इनके दिल में कल देर रात तक चली हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने ना कल देर रात तक बहुत सोचा हो, जैसे घंटे दो घंटे बस बैठकर सोचते ही रहे हों, तो ऐसा भी दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में दिख रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकती हैं, और अगर आप मतलब यहाँ पर जो भी फीमेल है उनमें से कुछ लोगों के केस में वो प्रेग्नेंट हैं या उनके पास बच्चा है, ठीक है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। देखो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, या आपके परिवार वालों के बीच में हुए हों, मतलब आप लोगों के बीच में पास्ट में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हुए, जैसे कहते हैं ना कि कैचियाँ चली हैं, ठीक है, तो मुझे कैची बनते हुए यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है। तो आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो भी कैची चली है ना, ये पर्सन वो पल देख रहे थे,
कल देर रात, उसको एज्यूम कर रहे थे और उसको एज्यूम कर कर इन्हें ये दिखाई दे रहा था कि कैसे इस रिश्ते में कैचियाँ चली और कैसे ये रिश्ता खत्म हुआ, कैसे ये रिश्ता टूटा और बिखरा। इन्हें ना कल देर रात तक आपके मामले में ऐसा फील होता रहा कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे ना डे बाय डे बहुत दूर जा चुके हो और ये आज रात बैठकर इन चीज़ों को सोच रहे हैं। और ये पर्सन उस चीज़ को सोचकर एकदम अपने आप को ना जैसे कि हेल्पलेस फील कर रहे हो कि अब सोचकर क्या, जब तुम्हारे पास अब कोई ना तो मौका है ना कोई ऐसा हथियार है। तो वो चीज़ें भी इनके मन में कल देर रात तक चली है, मतलब कुछ ऐसा तो है नहीं कि तुम अब कोई जादू कर दोगे। इन्हें ऐसा भी लगता रहा कि भाई देखो, इन्होंने आपको जब कुछ दिया नहीं तो आपसे अब लेने की क्या उम्मीद कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ओवरऑल ये पर्सन अपने आप से खुद पूछ रहे थे और खुद ही अपने आप को जैसे जवाब दे रहे हो, क्योंकि अब ओवरऑल ऑब्वियसली इस पर्सन के पास आप नहीं हो इनके उन सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये पर्सन जैसे कल देर रात तक खुद अपने आप से सवाल करते रहे और खुद उन सवालों का जवाब देते रहे, और जितने भी जवाब इन्होंने अपने आप को दिए ना, वो अपने आप को धिक्कारने के बराबर ही थे या अपने आप को एक ऐसा रियलाइज़ कराने के बराबर ही थे कि भाई चिल्लू भर पानी में डूब मरो। तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली फील कर पा रही हूँ। और वही चीज़ें देखो, आपको तो भले ही लग रहा हो कि पर्सन आ नहीं रहे और ईगो दिखा रहे एंड ऑल, लेकिन ओवरऑल अब इस पर्सन की वो स्ट्रेंथ नहीं बची है, ये इतना पावरफुल नहीं है ये कि आपको अब ये फेस कर ले, ठीक है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर है। चलिए ये देखते हैं इन सब के बाद ये पर्सन आपसे कल देर रात तक कहना क्या चाह रहे थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। इन सब के बाद व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे थे, व्यूअर्स से यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। सेवन ऑफ कप्स, ये तो मैंने आपको कैंडल वैक्स के थ्रू ही बताया था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड ये रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। गाइड कीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे थे व्यूअर्स के पर्सन कल देर रात तक, व्यूअर्स से यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, टेन ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो हैं आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि की, और उसके अलग यहाँ पर आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांग है, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ये मुझे यहाँ पर मेजॉरिटी लेवल पर एनर्जीज दिखाई दी हैं। आपके लिए यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है आपका 14, ठीक है। तो हो सकता है 14 साल का आपका रिश्ता है, 14 महीने से आप लोगों के बीच में काफ़ी चीज़ें खराब हो रही हैं, काफ़ी डिस्टर्बेंस आप लोगों के बीच में चल रहा है। और उसके अलग यहाँ पर नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें है कि कल देर रात तक इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपने आप को डिटेल में इन्वॉल्व करा है, जो मैंने आपको कैंडल वैक्स के थ्रू भी बताया। और जैसे आपसे ये कहना चाह रहे हो कल देर रात तक कि अब ये डेफिनेटली कन्फ्यूज है, इन्हें इस चीज़ को लेकर क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि अब ये इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को इमोशनली होकर देखें, प्रैक्टिकली होकर देखें, या किस तरह से इस रिलेशनशिप को देखें, ये अब ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनके मन में एक तरफ तो आपके साथ जो भी इन्होंने करा है उस चीज़ का अफसोस है, उस चीज़ का बर्डन है, और एक तरफ इनके मन में ना इस चीज़ का एक खालीपन भी है
कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में आपके हिस्से सिर्फ इंतज़ार ही दिया, आपको दर्द ही दिया, आपको कंट्रोल ही करने की कोशिश करी है, तो आपसे ये कहना चाह रहे हो, यानी कि ओवरऑल ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हो जैसे कि अब नहीं चाहते कि ये आपकी ज़िंदगी में वही दर्द फिर से दे दे, जब तक कि ये अपने आप को क्लियर ना कर लें कि ये क्या चाहते हैं, इन्हें अपनी स्टेबिलिटी कहाँ दिख रही है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना आपसे अब कुछ कहने लायक बचे भी नहीं हैं, ठीक है। आपको तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये कुछ बोले, कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में कल देर रात तक ये चीज़ें थी कि आपसे कहें तो कहें क्या, और आपसे यही कहना भी चाह रहे हैं कि मैं तुमसे अब कहूँ तो कहूँ क्या, जो मैं तुम्हें आरी ज़िंदगी में करके गया हूँ ना, उसके बाद जब मुझे ही अफसोस होता है, मेरे ही सीने पे जब उस चीज़ का बोझ है, तो मैं तुमसे क्या शब्द बोलूँ, क्या ना बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ना करूँ, इन सभी चीज़ों का कन्फ्यूज़न मेरी जिंदगी में, मेरी सोच में अब है, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, या ये कहना चाह रहे थे कल देर रात तक। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।